हेलो राधे राधे। आज मैं आपको कली वाला प्लाजो बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। 40 इंच का कपड़ा मेरे पास 1 मीटर बचा हुआ था, और ये दो पार्ट हैं जो मैंने कुर्ती कटिंग की थी उसकी साइड के, ये दो पार्ट बचे थे 40 इंच लंबे हैं, और इनको भी इस 1 मीटर कपड़े के साथ मैंने जोड़ लिया है। और ये मेरे पास अब 2 मीटर कपड़ा हो गया डबल लार्ज में। अब इसका मैं कली वाला प्लाजो बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग करने सिखाऊंगी आपको। ये ओपन पार्ट मेरे सामने रख दिया है, और जो ज्वाइंट वाला पार्ट था ये मेरी साइड रखा हुआ है। एक बार मैं इसको ठीक से बिछा लेती हूँ, फिर आपको दिखा दूंगी। लीजिए, कपड़े को मैंने अच्छे से बिछा लिया, और ये मैंने दिखा भी दिया, इधर की साइड ओपन पार्ट है और ज्वाइंट वाले पार्ट मेरी साइड हैं। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं इसकी। और मैं 38 इंच का तैयार प्लाजो करूंगी, और उसकी लंबाई मैंने ले ली 40 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई ले सकते हैं। और इधर की साइड से मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी, और ये 38 इंच का लंबा प्लाजो तैयार हो जाएगा मेरे साइज के अकॉर्डिंग। जहाँ पे ओपन पार्ट है वहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी, और जहाँ पे पार्ट जुड़े हुए हैं वहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशानों को मैं तिरछे में मिला दूंगी। लीजिए, इंची टेप को मैंने तिरछा रख लिया है, और अब मैं चौक से निशान लगा रही हूँ, तिरछे में ही निशान लगा रही हूँ, और कटिंग भी तिरछी ही करनी है इसकी। लीजिए, तिरछा निशान लगा चुकी हूँ, अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। चलिए, अब तिरछा निशान जहाँ पे लगाया है वहाँ से मैं कटिंग कर लेती हूँ। लीजिए, तिरछी कटिंग कर दी है मैंने, और अब मैं किस तरीके से बिछाऊंगी वो आप वीडियो में देखते रहिए। चौड़े पार्ट नीचे की साइड, और जो 6 इंच पे और 7.5 इंच पे निशान लगा था वो दोनों पार्ट एक साइड हैं। या तो आप पहले इन पार्टों को सिलाई करके जोड़ लीजिए, नहीं तो बाद में जोड़ लेना। मैं अभी नहीं जोड़ूंगी, पहले आपको निशान लगा कर दिखा देती हूँ, फिर मैं सिलाई करूँगी तभी जोड़ लूँगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको सिल सकते हैं, पहले भी सिलाई लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। और यहाँ से जो पार्ट जुड़ा हुआ था उसको मैं अलग कर दूँगी। लीजिए, इन पार्टों को मैंने अलग कर दिया है, जहाँ पे जुड़े हुए थे उस पार्ट को अलग नहीं किया है, जो कली वाले पार्ट थे उनको अलग किया है। अब मैं इस पे इप्स का निशान लगा दूंगी, इप्स 40 है तो 4th पार्ट पे निशान लगेगा 10 पे, और 2 इंच मार्जिन तो 12 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी। और यहाँ पे भी मैं 12 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ नीचे की साइड भी, और नेफे का निशान मैं 15 इंच पर लगाऊंगी, 2 इंच मार्जिन का, और 13 इंच का आसन बन जाएगा। और ये मैं 15 इंच पर निशान लगा चुकी हूँ, और अब मैं इसको गोलाई दे दूंगी और फिर कर दूंगी कटिंग। और नीचे की साइड से भी थोड़ी सी शेप दूंगी, बस 1/2 इंच की, क्योंकि बहुत चौड़े घेर वाला बनाना है। और दोनों चीज़ मैंने 3.5 मीटर कपड़े में बनाई है, कली वाला प्लाजो और शॉर्ट कुर्ता, ज़्यादा लॉन्ग कुर्ता नहीं बनाया है, 40 इंच का ही कुर्ता तैयार बनाया है, और 38 इंच का कली वाला प्लाजो। लीजिए, मैंने आसन की कटिंग कर दी है, और ऊपर से 2 इंच का फोल्ड हो जाएगा इलास्टिक डालने के लिए। तो चलिए, अब मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। लीजिए, 3.5 मीटर कपड़े में मैंने कली वाले प्लाजो और
कुर्ती की कटिंग करनी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखा दी है। एक बार आप भी कम कपड़े में से थोड़ा सा आइडिया लगाकर बना सकते हैं। और ये कपड़ा बाजू के लिए बच गया मेरे पास, क्योंकि ये डबल अर्ज का कपड़ा था। तो चलिए अब मैं सिल लूँगी प्लाजो और फिर कुर्ती सिल लूँगी, दोनों वीडियो आपको दिखाऊँगी। और ये 9:15 बज चुके हैं और रात का टाइम है, और मैं हो गई थी फ्री काम करके, तो सोचा चलो प्लाजो सिल लेते हैं। मेरा मूड होता है तो मैं किसी भी टाइम मशीन लेके बैठ जाती हूँ, बस मूड होना चाहिए तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, दिन रात नहीं देखते फिर काम करने की इच्छा है तो। चलिए अब मैं प्लाजो सिलना शुरू करती हूँ। सबसे पहले कली को जोड़ूंगी पल्ले के साथ, ये पल्ला है चौड़े वाला और ये कली है। तो चलिए इसके साथ मैं जोड़ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे किस तरीके से सिल लूँगी। और बहुत ही अच्छा प्लाजो सेट बनकर तैयार हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि मैं सिल चुकी हूँ और आगे वीडियो में भी दिखाऊंगी पहन कर कितना सुंदर घेर वाला प्लाजो बनकर तैयार हो जाएगा। लीजिए एक पल्ले के मैं कली जोड़ चुकी हूँ, अब दूसरी साइड भी ये कली जोड़ दूंगी। एक ध्यान रहे आसन दोनों एक ही साइड होना चाहिए। लीजिए दोनों पार्ट के साथ मैंने कलियों को जोड़ दिया है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक साइड का प्लाजो का पैर हो गया है तैयार और ये दूसरा पैर हो गया तैयार प्लाजो का। अब मैं आसन की सिलाई लगा देती हूँ, दोनों साइड आसन पे दो दो सिलाई लगा कर ही पक्का कर दूँगी एक साथ। लीजिए आसन की सिलाई लगा चुकी हूँ मैं दोनों साइड, और अब मैं नेफे को फोल्ड कर दूंगी। इलास्टिक के अकॉर्डिंग चौड़ा या बीड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं 2 इंच का ही फोल्ड करूँगी। इतना ही फोल्ड करूँगी जितना मैं फोल्ड करके आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। लीजिए 2 इंच
नेफा मैंने फोल्ड कर दिया है और अब इसमें मैं डाल दूंगी इलास्टिक। लीजिए मैंने इलास्टिक डाल दिया है। अब मैं इलास्टिक के दोनों सिरों को पकड़कर सिलाई लगा दूंगी मशीन के ऊपर, इनको मतलब दोनों सिरों को ज्वाइंट कर दूंगी। लीजिए इलास्टिक के दोनों सिरों के ऊपर मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है। और अब इलास्टिक डालने के बाद ऐसे खींचना, सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इलास्टिक में अच्छे से सेटिंग हो जाएगी कपड़े के साथ। ये रबड़ हमारा सेट हो गया है। अब रबड़ के बीच में मैं मोटी सिलाई लगा दूंगी। मशीन को मैंने फुल मोटा कर लिया है और अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। और एक हाथ से खींचना है और फटाफट सिलाई लगा लेनी है। लीजिए इलास्टिक मैंने डाल दिया है और ऊपर से सिलाई भी लगा दी। और सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक में फिनिशिंग भी आ जाती है। अब मैं ये आसन के नीचे वाली सिलाई लगा दूंगी और फिर नीचे से फोल्ड करूंगी प्लाजो को और अच्छे से पकड़कर सिलाई लगानी है। और किनारी को छोड़कर आधा इंच फिर सिलाई लगानी है किनारी से ऊपर। अगर किनारी पे सिलाई लगाओगे तो प्लाजो में फिनिशिंग नहीं आएगी और प्लाजो ऊपर की साइड चढ़ेगा, इसलिए या तो किनारी को पहले ही कट कर दें या किनारी को छोड़कर आधा इंच फिर सिलाई लगाएं। और ये दो सिलाई लगा चुकी हूँ मैं और अब मैं कट लगा रही हूँ थोड़े थोड़े प्लाजो में जो सिलाई लगाई आसन की साइड से, और सब जगह प्लाजो में मैं कट लगा चुकी हूँ। और अब मैं प्लाजो के जो पैर हैं उन दोनों पैरों को फोल्ड कर दूंगी, एक एक इंच ही फोल्ड करूंगी नीचे से मैं। तो चलिए अब मैं प्लाजो को नीचे से फोल्ड कर लेती हूँ, एक एक इंच ही फोल्ड करूँगी। इतना सा आपको वीडियो में दिखा दिया है मैंने। लीजिए मैंने प्लाजो के दोनों पैरों को फोल्ड कर दिया है और अब मैं आपको पहन कर दिखा दूँगी कितना सुंदर प्लाजो बनकर तैयार हुआ है। लीजिए ये प्लाजो मैंने पहन लिया है, इसकी कुर्ती को भी मैं तैयार करूँगी, वीडियो भी बना दूँगी और फिर दोनों चीज़ एक साथ पहन कर आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर प्लाजो घेर वाला बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार आप भी कम कपड़े में कली वाला प्लाजो बनाकर देखें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी, नए आइडिया, नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ या नई कोई कुर्ती डिजाइन के साथ। राधे राधे। और ये इधर ये पल्ले वाला ज्वाइंट है जो बचे हुए कपड़े का, और इधर ये कली